पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। इस ये सवाल इसलिए आज खड़ा होता है कि माना नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परचम है। अच्छा, उनकी अप्रूवल रेटिंग 70% है। ठीक है, माना नरेंद्र मोदी के पक्ष में ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं और माना नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। अरे कहना क्या चाहते हो, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि किसान आंदोलन के नाम पर और जो बयान आया है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का जुम करो। वो बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसे कम करना है, इसे रोकना है। क्या आपको लगता है कि अब बचता क्या है इस आंदोलन के अंदर ढकने को और छुपाने को? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसान तो कह रहा है मत मारो आंसू की गोलियों से मुझे, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूं, मेरी परेशानी की वजह है क्योंकि मैं किसान हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ नहीं रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब किसान सड़क पे है बीजेपी गायब, जब महिला पहलवान सड़क पे हैं बीजेपी गायब, जब शिक्षक अधिकार के लिए सड़क पे हैं तो बीजेपी गायब। आप बताइए बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी की सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपके चैनल पे आए जब देश के आम नागरिक चाहे किसान हो, महिला हो, शिक्षक हो, युवा हो, जब परेशान होता है अपनी आवाज उठाता है, प्रवक्ता गायब। अब प्रवक्ता की जगह अमित जी आप तो नहीं ले सकते, आप कोशिश कर सकते, ले नहीं सकते। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। मजा आया। सुनिए, जवाब सुनिए ना। आपने मुझे बोला, आपने मेरे मुंह में हाथ डाला ना, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला था। जली ना तेरी भी जली ना। मैंने आपको बोला आप एक मिनट बोलिए, लेकिन आपने मुंह में हाथ डाला। देखिए अमीश जी, आप तो प्रवक्ता की जगह नहीं ले सकते, यही बोला आपने मुझे? यही बोला ना। अरे हाँ भाई हाँ। अब सुनिए, इसके बाद सवाल सुनिए। ये जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है, इनका जो बयान है इसके ऊपर आपकी राय क्या है? 30 सेकंड आपके पास, बोलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं देंगे आप तो फिर छोड़िए, फिर क्यों बोलना फिर? देखिए मैंने आपसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी पूरी गायब है। क्या पहले किसानों के ऊपर में इस तरह से आप बताइए ड्रोन से आंसू गए छोड़े गए? किसान क्या हिंदुस्तानी नहीं है? किसान क्या पाकिस्तान से आया है, अमेरिका से आया है, बॉर्डर क्रॉस करके आया है जो उसके ऊपर में आप ड्रोन चला रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये ड्रोन चलाने वाले किसान है क्या? किसान हमारे आपके ही तो हैं, हमारे आपके तो भाई बंधु हैं, हमारे आपके तो यही किसान के बेटे तो फौज में भी हैं, यही किसान के बेटे डॉक्टर हैं, यही किसान के बेटे वकील हैं, पत्रकार हैं, हम आप सब हैं किसान के बेटे, और उन किसान के ऊपर में हम ड्रोन से हमला कर रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी क्या किसानों के ऊपर हमला करने के लिए खरीदी गई थी क्या? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।